अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ जाऊं इधर? जी जी बैठे जरूर। हालात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, बिल इतने हो गए हैं, महंगाई का इतना जोर है और देखें पेट्रोल कहाँ तक चला गया है, तो हालात बहुत ज्यादा जो है ना खराब हैं। अभी कल हमारे मोहल्ले में कल मैं देखा एक आदमी बेचारा फ्रूट की रेडी लगाता था जी, वो फ्रूट की रेडी लगाता है, उसके घर बताएं कि 24,000 उसको बिल आ गया। उस बेचारे ने अपनी रेडी बेच के तो फिर बिल अदा किया और उसका तो रोजगार वही था वसीला, लेकिन वो इतने हालात खराब हुए, इतनी महंगाई क्या होगा। अल्लाह पाकिस्तानियाँ करें, इस मुल्क पे अल्लाह करम करें, तो वसाइल इतने हैं लेकिन समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये बंदा मुझे परेशान लगता है, मुझे इसकी कोई हेल्प करनी चाहिए, क्यों ना मैं कुछ पैसे दे के इसकी हेल्प करूं। ये मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कोई, अगर आप बुरा ना माने तो। ये ना आप गलत समझे, मैं ना आपके पास कोई तावन या मदद के लिए नहीं आया, मैं ये बताना चाह रहा था कि हालात इतने हैं। और दूसरी बात यह, मैं काफी देर से आपको देखा परेशान थे, मैंने कितनी दफा देखा है अभी सर को से पकड़, मैंने आपको टेंशन में देखा, मैंने कहा ये आदमी टेंशन में है, मैं जरा इसको कंपनी दूं जाके, तो मैं कंपनी के लिए आपके पास आया हूँ। तो मुझे लगा कि आपको थोड़ी कंपनी दूंगा, शायद आप रिलैक्स हों। तो वैसे आप लगते हैं, गाड़ी वगैरह है आपके पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पास गाड़ी है, एक नहीं दो तीन गाड़ियां है, दिया हुआ सब कुछ है। और घर अपना है? हाँ जी घर भी अपना है, उसके अलावा ने दो तीन घर रेंट पे दिए हुए हैं। सही जी 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 अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा फैक्ट्री भी होगी आपकी? जी जी बिल्कुल फैक्ट्री भी है मेरी। घर उसके अलावा घर वाले सब ठीक हैं? कोई बीमारी वगैरह घर किसी को, कोई वाइफ को, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक हैं? हाँ जी सब ठीक है, किसी को कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप ठीक हैं? आप किसे ठीक रहती है? हाँ जी मैं भी बिल्कुल फिट हूँ, मैं भी ठीक हूँ, सेहत ठीक है मेरी। फिर तो मुझे वो बात है, आप इतनी माशाल्लाह सहूलतें हैं, अल्लाह पाक ने आप पे बड़ा करम किया, अफोर्डेबल हैं, तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है आप पे। जी जी तो इसके बावजूद मैंने आपको काफी परेशान देखा, इतना परेशान देखा, आपको सुकून नहीं, मुझे लग रहा था कि आप सुकून में नहीं है, तो मैं आपके पास बैठ गया हूँ। अल्लाह का दिया सब कुछ है, तो मुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद याद आ जाता है, जो खुदा की याद से गाफिल हो गया तो वो बनी इसराइल में से हो गया। क्या आपको कमी कताइयाँ कहीं पे हैं जिस वजह से आप यहाँ तक हैं? तो आप क्या करते हैं, आपको कारोबार क्या क्या करते? नहीं मैं कारोबार नहीं, मैं एक जॉब करता हूँ कहीं पे, और मेरा रेंट का मकान है, 30,000 रुपया मैं तनखा लेता हूँ, और बच्चों की फीसें भी सारा कुछ अल्लाह पाक पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे नींद भी बड़ी अच्छी आती है, सुकून से हूँ। इतने में आपका गुजारा हो जाता है ये अल्हम्दुलिल्लाह? ये उसका करम है, ये उसका करम है, हो रहा है गुजारा, बेहतरीन हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं उसके दिए पे कनात करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ, उसने सारे जान दिए हैं, इससे बढ़ के दौलत कोई नहीं। और आपकी परेशानी देख के मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, या कहीं मिस्टेक है, या कहीं आप जो है ना आपको भूल रहे हैं, या कोई फर्ज की कुताही हो रही है जिस वजह से आप इतनी परेशानियों में हैं, इतनी मुश्किल में हैं। जरा गौर कीजिए, मेरा बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं आपकी पास बैठा हूँ इसलिए कि आपको जरा थोड़ी तसल्ली दूं, परेशान देख के मेरा दिल चाह के मैं आपसे कुछ बातें करूं। मुझे लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं परेशानियों में मुब्तला हूँ, मेरे अल्लाह मेरे लिए बेहतर कर। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूं।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा रब मुझे बुला रहा है, अजान हो रही है, नमाज का टाइम है, तो उस उसके हुजूर हाजिर का टाइम है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ूँ तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आपको और ये ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सोचिएगा कि सुकून कहाँ पे है, अपना सुकून तलाश करें, अल्लाह आपको सुकून दे। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, मैं भटक गया था, मुझे सजदे की तौफीक दे। या अल्लाह मेरे हाल पे रहम कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। रुकिए, मुझे भी नमाज के लिए साथ लेते जाइएगा, मैं भी अल्लाह के हुजूर सजदा कर लूँ।